कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में हिंदी भाषियों को सिर्फ झुंझुना थमाने का काम करती आ रही है सरकार। 7 लाख से अधिक हिंदी भाषी मतदाता होने के बाद भी एक भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। कल्याण डोंबिवली लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख से अधिक हिंदी भाषी मतदाता होने के बावजूद उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। लोकसभा, विधानसभा या मनपा चुनाव में उनको सिर्फ आश्वासन का झुंझुना थमाया जाता है। ऐसी बात भाजपा अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय मारवाड़ी गुजराती मंच के मुंबई अध्यक्ष राकेश जैन ने कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पक्ष से नाराजगी है, लेकिन फिर भी आज इतने सालों से कल्याण लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, फिर भी उनको यहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है। मेरा उस चीज को लेकर विरोध है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह पे अब 7.5 लाख उत्तर भारतीय वोटर्स हैं, इसके बारे में क्या कहना है, क्यों नाराजगी जताई गई है? आज 7 लाख हिंदी भाषी मतदाता इस क्षेत्र में होने के बाद में भी एक कॉरपोरेशन में नगर सेवक के लिए भी हिंदी भाषी को प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता है, ना ही इतना बड़ा गुजराती समाज है उनको भी उचित प्रतिनिधित्व तो दिया जाता है। आज राजस्थानी समाज, उत्तर भारतीय समाज, बिहार से है, झारखंड से, वो लोग हिंदी भाषी है फिर भी उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जाता है, उनका प्रतिनिधित्व तो भी होना चाहिए। क्या आप अपक्ष चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपक्ष चुनाव लड़ूंगा। मैं मेरे उत्तर भारतीय समाज का, राजस्थानी समाज का, गुजराती समाज का, मुस्लिम समाज, सिख समाज, सबकी एक आवाज बन के लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व करूंगा। जिस तरह देखा है आपके सामने लोकसभा चुनाव श्रीकांत शिंदे भी है चुनाव में, इसके बारे में क्या कहना है, किस तरह आप उनके उनका सामना कर पाओगे? अभी वर्तमान में मतदाता जागरूक है, मतदाता विकास के नाम पे मत देते हैं। पिछले दस सालों में जो हमारी लोकसभा की हालत है, न रस्ते है, न चिकित्सा की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा है पानी वो भी नहीं है, तो उन सब मुद्दों को लेकर जनता मेरा साथ देगी, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। उन्होंने कहा तो कहा कि हमने काफी रास्ते कॉन्ट्रैक्ट बनाए, काफी सारी चीजें हमने कल्याण लोकसभा कल्याण में काफी सीटें हमने कर दिया है, विकास कामों को क्या कहना चाहते? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि विकास काम जो मूलभूत सुविधा होती है, आप जब रस्तों की बात की तो आज 10 साल बाद में अभी सरकार जा रही है, उस वक्त उनको भूमि पूजन किए जा रहे हैं। आज पूरे ढुंगली में वाहतुक कोड़ी की जो इतनी बड़ी समस्या है, घंटों घंटों आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है, और जहां तक आप एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सके, पूरे कल्याण लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां गरीब आदमी को मुफ्त में इलाज मिल सके। जिस तरह देखा जाए कि वो सीएम के बेटे हैं और खासदार हैं आपके, क्या चुनौती है उनके सामने, आप क्या चुनौती किस तरह लड़ोगे? मेरे साथ आम जनता, सामान्य जनमानुष, गोर गरीब जनता मेरे साथ है। मैं उनके लिए पहले भी सामाजिक काम करता आ रहा हूं और आगे भी उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा।